Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ओग्रा और मोटरवे पुलिस की जानिब से ऑयल टैंकर्स की चेकिंग और जुर्मानों के खिलाफ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्क भर में ऑयल और पेट्रोल की सप्लाई बंद, बहरान का खर्चा पैदा हो गया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन यूसुफ शाहवानी कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। रेलवे ड्राइवर्स की हड़ताल के बाद मुल्क भर में ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर आने लगी। रेलवे एसोसिएशन हुकाम में आज फिर मुजाकरात होंगे। मनफी सियासत सच के सामने दम तोड़ चुकी है। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। झूठ दम तोड़ती सियासत को जिंदा नहीं कर सकता। नून लीग की कयादत ने आवाम की बेलौस खिदमत की, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। सरकारी स्कीम के तहत हज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। वफाकी वजीर मजहबी अमूर कहते हैं आजमीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेंगे। हज्जाज सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चौधरी निसार ने गुज़िश्ता रोज कमर दर्द के बाइस न्यूज कॉन्फ्रेंस मुलतवी करते थे। सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाहत आज होगी। गुज़िश्ता समाहत पर निहाल हाशमी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में कार बम धमाका, 12 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी धमाके से उड़ा दी।